हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमर स्विंग मशीन। आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं एमर की 95T10 स्पेशल मॉडल, जो आती है सिल्वर कलर में। तो चलिए हम आप इसे अनबॉक्स करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एमर का 95T10 स्पेशल मॉडल है, तो इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। वन बाई वन मैं आपको सारी क्वालिटीज़ इसकी बताऊँगा। तो सबसे पहले हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एमर की बहुत अच्छी पैकिंग की गई है इसमें। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले हमें मिलता है इसका एक्सेसरीज बॉक्स। सबसे पहले हम देखते हैं इस एक्सेसरीज बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। ये एक डस्टर है। इसके बाद हमें इसमें मिलता है एक इंडिया गेट, दो स्क्रू ड्राइवर, एक बॉबिन भरने के लिए बॉबिन वाइंडर, वायल, इंच टेप। उसके बाद हमें इसके दूसरे साइड में मिलता है इसका ब्रेक सेट। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका ब्रेक सेट है जिससे प्रेशर को टूटता है। इसकी भी हम क्वालिटीज़ देख लेते हैं, कैसी क्वालिटी का है। तो ये भी हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नज़र आ रहा है। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्रेक सेट जिसमें हमें मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्रेक सेट है इसमें। उसके बाद हम करते हैं एमर की 95T10 स्पेशल मॉडल सिविल अनबॉक्सिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमें सिल्वर कलर में आती है। तो सबसे पहले हम इसकी क्वालिटी देखते हैं। ये बहुत ही स्मूथ स्विंग मशीन है। जैसा कि कंपनी वादा करती है कि ये बहुत ही स्मूथ साउंडलेस मशीन होती है, तो ये बिल्कुल ही साउंडलेस मशीन है। आप इसमें देख सकते हैं इसके फेस प्लेट, ये अल्मोनियम फेस प्लेट है इसका, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आता है। ये आप जो है कभी लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। उसके बाद हम इसके अंदर का निजल बार देखते हैं। जैसा कि कंपनी बताती है कि इसमें फुल टेम्पर निजल बार लगा होता है, जो आपको 10 साल की गारंटी के साथ मिलता है। जैसा कि कंपनी बताती है कि आप ये स्विंग मशीन यूज़ कीजिए, आपको इसके निजल बार, इसके बुश की 10 साल की गारंटी मिलती है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, इसका जो निजल बार है ये फुल टेम्पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका निजल बार फुल टेम्पर है, झुक्की टाइप है, ठीक है। और इसमें जो कुंडी लिंक असेंबल है, वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और इसका जो देख सकते हैं आप प्रेशर बार, वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रेशर कुक लगा है। इसमें जो निजल प्लेट है, उस पर भी एमर की बहुत अच्छी ब्रांडिंग की गई है। इसके स्लाइड प्लेट पे एमर की बहुत ही खूबसूरत ब्रांडिंग की गई है। मशीन पे भी बहुत ही अच्छी ब्रांडिंग है, बहुत ही अच्छा कलर फिनिश में है। इस पर डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम देखते हैं इसके चाल सेट में। जैसा कि कंपनी बोलती है, इसका जो चाल सेट लगा होता है वो फुल टेम्पर होता है, जिसे हम छल्ला भी बोलते हैं। आप इसके चिमटे की कनेक्टिंग की क्वालिटी देखिए, इसके छल्ले की क्वालिटी देखिए, जिसे हम चाल सेट भी बोलते हैं। और इसमें गियर भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लगा है, जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके नीचे के पार्ट्स के। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें एमर की लठें लगी हुई है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लगी है। और इसमें जो गियर लगा हुआ है, वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गियर है, जो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है। और इसमें जो हुक लगा है, वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हुक है, इम्पोर्टेड हुक है इसमें लगा हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एमर की 95T10 सिल्वर कलर में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, बहुत ही साउंडलेस मशीन हमें मिलती है। और इसका आप देख सकते हैं, ये बैक हैंडल, रिवर्स हैंडल जिसे हम बोलते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रिवर्स हैंडल इसमें लगा हुआ है। तो अब हम इसे चला कर देखते हैं कि इसकी स्टिचिंग कैसी है। सबसे पहले हम इसके फेस प्लेट को फिट कर लेते हैं।
ये बहुत ही इजी होता है फिक्स करना, ऐसा कोई अब हम इसके इंडिया गेट को इसमें असेंबल कर लेते हैं। इसके साथ में हमें इंडिया गेट मिलता है जिसमें हमारा थ्रेड लगेगा। ये हमने इसका इंडिया गेट लगा दिया है। उसके बाद हमें थ्रेड लगाना है, तो सबसे पहले हमें इसके इंडिया गेट में इसका थ्रेड लगा लेना है। उसके बाद हमें हमें इसमें लगाना है थ्रेड। आप इस तीनों होल में से किसी में भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमें इसके डिश में, उसको टेंशन कंप्लीट बोलते हैं, उसमें ये डिश लगी होती है जिसे लोग थाली भी बोलते हैं, तो हमें उसमें ही लगाना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, इसके पीछे लगा देते हैं या तो इधर लगा लेते हैं, उससे क्या होती है हमारी स्टिचिंग जो है बहुत ख़राब होती है। तो हमें इस दोनों डिश के बीच में इस थ्रेड को लगा लेना है। उसके बाद इसको हल्के से इधर लाकर इधर ले जाना है। उसके बाद ये स्प्रिंग, इसको चाल स्प्रिंग बोलते हैं, इसको स्प्रिंग में इधर ले आना है, टेंशन स्प्रिंग है, इसको ले आना है, ऊपर उठा लेना है और इसको देख लेना है धागा आपका टाइट आ रहा है कि नहीं। तो ये ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, उससे आपका धागा कटने लगेगा, तोड़ने लगेगा, और ना ही ज़्यादा ढीला होना चाहिए। तो उसके बाद हम इस लिफ्टर में लगा, टेकअप लीवर में लगा लेंगे उसके। उसके बाद हमें इसमें लगा लेना है। उसके बाद इसके मिडिल क्लैंप में इस थ्रेड को हमें लगा लेना है। के बाद इसके निडल में धागा लगा देना है हमें। उसके बाद देख लेना है कि बॉबिन केस में धागा है या नहीं है। तो कंपनी ऑलरेडी इसे चेक करके भेजती है, तो इसमें अक्सर धागा लगा ही होता है। इसके बॉबिन से हमें धागा निकाल लेना है। इसलिए इसमें बॉबिन केस भी जो है सबसे अच्छी क्वालिटी का इम्पोर्टेड बॉबिन केस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेड क्वालिटी का बॉबिन केस, इम्पोर्टेड क्वालिटी के हुक लगे हुए हैं। आपको देखने ही से ही इसकी क्वालिटी समझ में आ जाएगी। ये फुल टेम्पर्ड होता है। तो इस बॉबिन केस का हमें धागा हल्का थोड़ा बाहर निकाल लेना है। उसके बाद हमें इसे इसके हुक में लगा लेना है। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो 95 KTN स्पेशल मॉडल है, ये नॉर्मल डोमेस्टिक स्विंग मशीन से है, फास्ट होती है, उसकी 850 स्पीड होती है और इसकी 1800 SPM स्पीड होती है स्टिचिंग पर मिनट। तो ये उस नॉर्मल घर की मशीनों से डबल की स्पीड, डबल से ज़्यादा इसकी स्पीड होती है। और ये आप इसको जितना भी स्पीड चलाएं, इसमें कभी भी आवाज़ नहीं होती है होल लाइफ। और इसमें हर टाइप के कपड़े चलते हैं, जैसे लाइक्रा, मोटा पतला, जैसा आप कपड़ा चलाना चाहें आप इस पर चला सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इसका नीचे से धागा निकाल लिया है। इस नीचे से धागे को निकाल कर हम पीछे कर लेंगे। उसके बाद हम इसे टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नॉर्मल कॉटन कपड़ा टेस्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉर्मल कॉटन कपड़ा हम इस पर स्टिच कर रहे हैं। देख सकते हैं एकदम साउंडलेस मशीन है ये। इसमें देखिए इसकी स्टिचिंग जो है अभी काफ़ी बड़ी हो रही है। तो हम इसको यहाँ से इसको नीचे करके इसको हम इसके डायल को और कम कर लेंगे। उससे क्या होगा कि हमारी स्टिचिंग थोड़ी छोटी हो जाएगी। हमने दो कलर के अलग अलग धागे इस वजह से रखे हैं कि हमारी ऊपर और नीचे की बकिया दोनों आपको अच्छे से समझ में आ सके। आप देख सकते हैं इसकी स्टिचिंग छोटी हो गई। और इसमें अगर आपको लॉक करना है या रफू करना है, तो इससे आप इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर्स हैंडल है, तो इसको हम अगर प्रेस करेंगे तो ये बैक चलेगी मशीन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रिवर्स हो रही है। उसके बाद हम इसमें लाइक्रा कपड़ा भी चला के देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फुल्ली स्ट्रेचेबल कपड़ा है, जिसे हम लाइक्रा बोलते हैं। तो हम इसे भी टेस्ट करके देखेंगे।
आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही स्मूथली इस पे स्टिच हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली ये इस पे स्टिच हो गया है और ना ही ये टानने पर फूट रहा है। ये फुल्ली स्ट्रेचेबल कपड़ा है, देखिए हम टानने पर भी ये स्टिचिंग टूट नहीं रही है। तो ये इस कपड़े पे भी कैपेबल है चलने के लिए, और इस पे भी हम लॉक लगा कर देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कपड़े को कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है और हमारी स्टिचिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। तो ऑल ओवर मशीन जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, इसमें आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स लगे हुए हैं जो ऑल ओवर इंडिया बहुत ही अच्छी क्वालिटी इसके बनते हैं, और उससे अच्छे पार्ट्स ऑल ओवर इंडिया नहीं बनते हैं जो भी इसमें असेंबल है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।